देख सकते हैं, यही वो मेन गेट है इथेनॉल प्लांट जो कि पूर्णिया में पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग को वीडियो बना तो हेलो फ्रेंड्स, आ गए अपने ब्लॉग चैनल पे। और अभी सुबह का टाइम है तो आप सबों को गुड मॉर्निंग। और आ गए अपने ब्लॉग चैनल पे, तो आज हम जा रहे हैं जो कि पूर्णिया का इथेनॉल प्लांट जो कि पूर्णिया में पड़ता है। बिहार राज्य का पहला प्लांट है जो कि पूर्णिया के पूर्णिया ज़िला में पड़ता है। तो आज हम वही प्लांट चलेंगे घूमने के लिए, उसके बाद वहां से आपको हम सारा कुछ दिखाएंगे। अभी हम रोड पे मतलब कि आ गए हैं, अभी निकल गए हैं मतलब कि जा रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारे साथ भैया जी हैं और जा रहे हैं इथेनॉल प्लांट जो कि पूर्णिया ज़िला में पड़ता है। बिहार राज्य का पहला प्लांट है जो कि गणेशपुर पंचायत परोड़ा में पड़ता है। तो अभी हम वहीं चलेंगे और हम लोग निकल गए हैं, अभी सुबह का टाइम है। और ये देख सकते हैं और जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो पे। देख सकते हैं अभी हम गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं इथेनॉल प्लांट घूमने के लिए, उसके बाद वहाँ से आपको हम सारा कुछ दिखाएंगे। और बने रहिए वीडियो पे, अभी हम गाड़ी को चला रहे हैं तो बने रहिए वीडियो पे, वहाँ जाके हम सारा कुछ दिखाएंगे आपको। और क्या है उस प्लांट में, क्या नहीं है, हम सारा कुछ वहाँ से दिखाएंगे, बताएंगे आपको। तो बने रहिए एकदम वीडियो पे। अभी हम जा रहे हैं वही इथेनॉल प्लांट जो कि पूर्णिया जिला में पड़ता है। और अभी हम पहुंच चुके हैं परोड़ा जो कि गणेशपुर के पास पड़ता है, परोड़ा पूर्णिया में। और देख सकते हो बहुत, देखिए वहां जो है वही वो इथेनॉल प्लांट है। और अभी हम वहां जा रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं सारा कुछ। देख सकते हैं वही वो इथेनॉल प्लांट का मेन गेट है जो कि अभी हम वहां जाएंगे और देखते हैं कि उस तरफ से ये बाउंड्री, अभी हम यहां मेन गेट के पास उसका जा रहे हैं। देख सकते हैं वही वो इथेनॉल प्लांट का मेन गेट है। और यहाँ से वो देख सकते हैं यही वो मेन गेट है इथेनॉल प्लांट जो कि पूर्णिया में पड़ता है। और यही वो मेन गेट है। और यहाँ से हम लोग को अंदर जाने के लिए नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ जो वर्कर लोग जो भी काम कर रहे हैं बस वही इसके अंदर जा सकते हैं, और हम लोग को जाने के लिए आम पब्लिक को जाना मना कर दिया गया। तो देख सकते हैं यही वो इथेनॉल प्लांट है और वो बाहर तरफ से अभी हम जाके वहाँ आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। अभी हम आ चुके हैं, देख सकते हैं वो पीछे में वही वो इथेनॉल प्लांट है जो कि बिहार राज्य के पूर्णिया ज़िला में पड़ता है। और ये परोड़ा में पड़ता है, पूर्णिया के परोड़ा में पड़ता है। और देख सकते हैं चारों तरफ से इसका जो बाउंड्री दिया है बहुत जगह ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है और बहुत दूर तक है। और क्या कहता है, इसका जो मेन गेट है, मेन गेट के पास अभी हम लोग गए तो वहाँ हम लोग ने गार्ड लोग से पता किए कि अंदर जाके हम वीडियो बना सकते हैं, तो बोला नहीं अंदर जाके वीडियो नहीं बना सकते, अंदर जाना भी मना है। और क्योंकि वो उस प्लांट के अंदर में जो भी लेबर लोग काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर हैं, वही बस अंदर जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता, तो मना कर दिया गया। तो इसका जो मेन गेट है वहाँ पड़ता है मेन गेट, अभी हम मेन गेट के पास हम वीडियो नहीं बना पाए, वहाँ वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा था और तो वहाँ हम लोग नहीं बनाए। और अभी हम उसके बगल में एक खेत पड़ता देख सकते हैं, उसके वहाँ पे आए हुए हैं वीडियो के लिए। तो देख सकते हैं आपको वही वो इथेनॉल प्लांट है जो कि पूर्णिया ज़िला में पड़ता है। और ये बिहार का पहला ऐसा प्लांट है जो कि पूर्णिया में पड़ता है।
तो इथेनॉल प्लांट और इसमें इसके उद्घाटन में नीतीश कुमार जी जो कि मुख्यमंत्री बिहार के हैं वो परसों आए हुए थे और इसका उद्घाटन वो किए और बहुत सारे यहाँ लोग आए थे जो कि इस उद्घाटन में साथ वगैरह दिए। तो देख सकते हैं हम लोग को अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया, अंदर जाके हम वीडियो नहीं दिखा पाए और अभी हम बाहर से ही बताए हैं आपको। और ये इस प्लांट में लगभग कि 105 करोड़, जो कि 105 करोड़ बताया गया कि 105 करोड़ की लागत से प्लांट को तैयार किया गया है। और ये अभी हम बाहर में ही हैं इनका और अभी हम चलेंगे फिर घर की ओर। तो फ्रेंड्स दिखा दिए आपको और अंदर जाने के लिए हमको नहीं दिया गया, नहीं तो हम अंदर जाके वीडियो बनाते। तो कोई बात नहीं, और तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय।